हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। बच्चों, आप थंबनेल देखकर तो पहचान ही चुके होंगे ये वीडियो किस संबंध में है। मैं आपको बता दूं, यूपी में शिक्षक भर्ती यानी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के बच्चों ने मंत्री जी को एक पत्र लिखा है, जिसमें बताया गया है, आप देख सकते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर, प्रयागराज के न्यूज़पेपर में आई ये खबर है, जिसमें बेसिक शिक्षा विभाग में 4 वर्षों से कोई नई भर्ती नहीं हुई है। 68,500 और 69,000 के बाद वे भी विवाद में रही, छोड़िए उस बात को, उसके बाद कोई भी भर्ती नहीं हुई है, 4 साल हो चुके हैं। जबकि इस दौरान लाखों अभ्यर्थियों ने यूपी टेट और सी टेट का परीक्षण पूरा कर लिया है और रोजगार के लिए भटक रहे हैं। इस मसले पर शिक्षक भर्ती अभियान से जुड़े पंकज मिश्रा और उनके साथियों ने बेसिक शिक्षा मंत्री को एक पत्र लिखा है, जिसमें नई भर्ती शुरू करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने मंत्री से मांग की है और कि बेसिक शिक्षा विभाग में भर्ती का विज्ञापन अविलंब जारी किया जाए, ताकि लाखों बेरोजगार प्रशिक्षितों के लिए अवसर उपलब्ध हो सके। इसमें यही बताया गया है कि जल्दी से प्राथमिक शिक्षक भर्ती है उसको जारी किया जाए, क्योंकि बच्चों ने सी टेट और यूपी टेट पास कर लिया है, जल्दी ही नया सी टेट यूपी टेट भी आने वाला है। ऐसे में पिछले 4 साल से कोई वैकेंसी नहीं निकली है, बेरोजगार ज़्यादा हो चुके हैं, डीएलएड में लगातार एडमिशन हो रहे हैं और 2022 भी बैच स्टार्ट हो चुका है, डीएलएड का फॉर्म भर लिए हैं बच्चों ने। तो ऐसे में बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है, शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है। बच्चों ने इको गार्डन में भी धरने दे लिए बहुत सारे, वहाँ पर भी कोई सोल्यूशन नहीं निकला। और ये सरकार ऐसे ही वादे कर रही है कि जल्दी से रोजगार दिया जाएगा, अब तक तो नहीं मिला, अब देखते हैं क्या होता है। जैसे भी कोई अपडेट आएगी शिक्षक भर्ती को लेकर के, हम आपके सामने सबसे पहले सूचित करेंगे आपको। आप इस YouTube चैनल को, अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर शिक्षक भर्ती से रिलेटेड आपका कोई भी कमेंट है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप करिएगा कमेंट, जल्दी उसका रिप्लाई भी आपको मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, थैंक यू।